Hello everyone, welcome to the SEM, that is Study Art Motivation and Education. So in this video we are going to discuss dentinogenesis imperfecta. So as the name suggests, dentinogenesis यानी कि dentine के formation के time पर कुछ तो भी गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से वो imperfect हो गया. Okay, simple. अब अगर हम इसकी definition की बात करें तो localized form of mesodermal dysplasia observed in histodifferentiation and corresponds to congenital hereditary change. Okay, सबसे पहले तो localized form of मीजोडर्मल डिस्प्लेजिया में कुछ तो भी डिफरेंस हुआ, कुछ तो भी डिस्टर्बेंस हुआ है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज अ कॉन्जेनाइटल हेरिडिटरी चेंज. ओके, ये कॉन्जेनाइटल हेरिडिटरी चेंज है यानी कि हेरिडिटी यानी कि इनहेरिटेंस की वजह से ये डिसीज होती है. ठीक है, यानी कि अगर पेरेंट्स के थ्रू कोई जीन में कुछ डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से. जीन में है, कौन से जीन्स होते हैं हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज मोड ऑफ इनहेरिटेंस. तो क्या क्या हो सकता है इसमें? ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रेसेसिव हो सकता है और एक्स लिंक्ड भी हो सकता है. ओके, नाउ ब्रॉड क्राउन विद सर्वाइकल कॉन्स्ट्रिक्शन रिजल्ट इन ट्यूलिप शेप. अब सी ट्यूलिप शेप यानी कि ऐसा. ठीक है, यानी कि मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूंगी. तो एक ट्यूलिप शेप बन जाता है और ये क्यों बनता है? क्योंकि क्राउन्स जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होते हैं जिसकी वजह से सर्वाइकल कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है. एंड सर्वाइकल कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से ट्यूलिप शेप ऑफ क्राउन बन जाता है. ठीक है, ये दोनों ही डेंटिशन को अफेक्ट करता है यानी कि परमानेंट एंड डेसिडियस दोनों ही डेंटिशन को अफेक्ट करता है. रेडियोग्राफिकली देखें तो देयर इज अ लैक ऑफ पल्प चैम्बर एंड रूट कैनाल. ठीक है, लैक ऑफ पल्प चैम्बर, पल्प चैम्बर जो है इसमें नहीं है. नहीं, ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं है, पूरी तरीके से एब्सेंट है, लेकिन हाँ पल्प चैम्बर बहुत कम होता है एंड रूट कैनाल्स भी. इनेमल चिप ऑफ हो जाते हैं जिसकी वजह से सेंसिटिविटी आ जाएगी. बिल्कुल बेसिक सी चीज है. ठीक है, नाउ यहां पर होता है म्यूटेशन. ओके, म्यूटेशन अगर हम देखें तो यहां पर बेसिकली जो जीन है, जीन यानी कि जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 4, जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 4 ये याद रखना, दैट विल एनकोड्स डीएसपीपी. डीएसपीपी यानी कि डेंटिन सियालो फॉस्फो प्रोटीन. ओके, एंड ये इसके दो कॉम्पोनेंट्स है, डेंटिन सियालो फॉस्फो प्रोटीन. इसके दो कॉम्पोनेंट्स है, डीएसपी यानी कि डेंटिन सियालो प्रोटीन. डेंटिन सियालो प्रोटीन जो है वो सबसे ज्यादा, ये जो डीएसपीपी जो है पूरा डेंटिन सियालो फॉस्फो प्रोटीन जो है ये मेजर कॉज माना जाता है फॉर डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्ट. नाउ इट हैज टू कॉम्पोनेंट्स, डेंटिन सियालो प्रोटीन एंड डेंटिन फॉस्फो प्रोटीन. ओके, इट इज डीपीपी, सॉरी. नाउ 50% नॉन कोलेजनस कंपोनेंट होता है इसका इसमें. और अगर इनका डीएसपीपी का इम्प्रॉपर सिंथेसिस होता है दैट विल बी कॉज कंप्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ पल्प चैम्बर. ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टाज इंट्रोडक्शन. नाउ कमिंग टू इट्स क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन, सबसे पहला क्लासिफिकेशन शील्ड्स क्लासिफिकेशन है. तो अकॉर्डिंग टू शील्ड्स क्लासिफिकेशन देयर आर थ्री टाइप्स. ओके, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा. टाइप वन, वेयर पेशेंट्स विथ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा. ठीक है, टाइप टू में क्या होगा? इट इज नॉट एसोसिएटेड वेन द पेशेंट डोंट हैव ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा. एंड टाइप थ्री इज शेल टूथ, यानी कि इट इज अ ब्रैंडीवाइन टाइप. बहुत ही रेयर कंडीशन है ये. मैरीलैंड में ये मिला था सबसे पहला जो केस है इसका देखने को मिला था. इट विल सीन इन रेशियल, इट वॉज सीन इन रेशियल आइसोलेट ऑफ मैरीलैंड विच एग्जिबिट मल्टीपल पल्प एक्सपोजर एंड पेरियोपाइकल लीजन्स इन डेसीडियस डेंटिशन. यानी कि जो प्राइमरी टूथ होते हैं ज्यादातर उन्हीं में ये टाइप थ्री देखा जाता है. और इसमें जो टूथ का स्ट्रक्चर जो है वो शेल टूथ अपीयरेंस देखने को मिलता है. ठीक है, और बहुत ही रेयर कंडीशन है. तो क्या हो गया, टाइप वन में द पेशेंट विच हैव ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा. टाइप टू द पेशेंट विच डू नॉट एसोसिएटेड विथ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा. एंड टाइप थ्री शेल टूथ. शेल टूथ याद रखना, बिकॉज ये जो शेल टूथ है ना आपके वाइवा और नीट एमडीएस में पूछा जाता है एज एन एमसीक्यू. ओके, नाउ बाद में इसका रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन दिया गया. ओके, इन रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, टाइप वन का तो उन्हें कोई तोड़ नहीं मिला. ठीक है, टाइप, लेकिन जो रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन है उसमें दो टाइप्स दिए गए, डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा वन एंड डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप टू. ओके, नाउ यहां पर जो शील्ड्स का टाइप वन है इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं मिला है. सो टाइप टू यानी कि द पेशेंट विच इज नॉट एसोसिएटेड विद ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, वो टाइप टू जो यहाँ पे शील्ड्स क्लासिफिकेशन में जो टाइप टू है वो रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन में डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा का टाइप वन है. ठीक है, एंड टाइप थ्री जो है शील्ड्स क्लासिफिकेशन में वो रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन में डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप टू है. ठीक है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज.
सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस. सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टाज इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन. इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डिटेल में के बारे में पढ़ेंगे, क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे एंड हिस्टोपैथ एंड इट्स इट्स केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में एंड ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे. सो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.